नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। विधायक ने बुजुर्गों से करवाया तहसील भवन का शिलान्यास। विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा मंगलवार को केतार प्रखंड के पाचा डूमर में लगभग 32 लाख की लागत से बनने वाला तहसील भवन का शिलान्यास, पूजा पाठ एवं नारियल फोड़कर अपनी मौजूदगी में गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कराया। चुनाव के समय लोगों के द्वारा तहसील भवन की मांग की गई थी, जो आज इसी गाँव के बुजुर्ग ने आधारशिला रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार काम करना नहीं चाहती है, सरकार से लड़कर काम कराना पड़ता है, फिर भी जनता के सभी मांगों को धीरे धीरे पूरा करूंगा। पहले यहां मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही क्षेत्र में बिजली मिल पाती थी, लेकिन रघुवर सरकार और हमारे अथक प्रयास से बिजली 20 से 22 घंटे शहरी और ग्रामीण दोनों को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 100 करोड़ की लागत से सोन नदी से पाइप लाइन का काम जोरों पर चल रहा है, जो कि 1 साल में सभी के घर घर पानी पहुँच जाएगा। अब किसी को कल बोरिंग के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बहुत जल्द सिंचाई के लिए भी 1200 करोड़ के लागत से दारिदह नदी से सीधा भीता बांध में पानी गिरवाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कनाई प्रसाद और संचालन सत्येंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर ठेकेदार लालू जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरारी सिंह, विधायक प्रतिनिधि विक्रमा सिंह, हेमंत पाठक, बाबूलाल यादव, उपाध्यक्ष उमेश दुबे, जिला परिषद ज्वाला प्रसाद, मीडिया प्रभारी रविन्द्र सोनी, गौरव सिंह, अखिलेश सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित थे। बता रहे हैं हकीकत है, अब तो कहानी कह रहे हैं क्या? सबके कोठी पर घिबरी छेद छेद के रखा रहता था। शाम के 7 बजे तक नहा खा के जल्दी सूत जा, नहीं तो फिर माटी तेलवा खत्म होनी, माटी तेल के चलते हम लोग जल्दी खाना खा लेते थे। यह हकीकत है, यह कहानी नहीं है, वह दिन हम लोगों ने देखा है। लेकिन उस घिबरी के युग से बल्ब के युग किसी ने बदला और आज 20 घंटा बिजली कोई दे रहा है, तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही का मेहनत परिश्रम खून पसीना और आपके वोट, आपका अथक प्रयास से यह चल सब चीज संभव हुआ है, सब चीज बदला हुआ है। अच्छी सड़कें, अच्छी क्वालिटी की बिजली मिल रही है, पढ़ाई का स्तर सुधरा है, विद्यालय हर जगह बने, अस्पताल हर जगह बना है। कोई नहीं सोचता होगा कि पाचा डूमर में भी डिलीवरी होगा, पाचा डूमर में भी बेटी का यहाँ ऑपरेशन होगा, लेकिन आज पाचा डूमर गांव में भी रात के 12 बजे डिलीवरी हमारा इस अस्पताल में हो रहा है। उससे बड़ा अस्पताल हम लोगों ने बनवाया। विधानसभा में क्वेश्चन हमने किया, आप सारे लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, सारे लोगों ने मीडिया में देखा होगा।